हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सब पता, अपने गैलरी से सिंपल से ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ये है अपना सिंपल से ओरिजिनल पिक, जिसे अपना आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो अपने सिंपल से ओरिजिनल पिक को दोस्तों आपको यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने स्नैपसीड ऐप के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको राइट साइड से सेकंड नंबर ऑप्शन पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो रहे होंगे। सिंपली से दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ कंट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आपको इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको डिक्रीज कर लेना है। तथा दोस्तों आपको नीचे एक तरफ अम्बाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको डिक्रीज कर लेना है। नीचे एक तरफ स्क्रॉल करने पर दोस्तों आपको हाईलाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, दोस्तों इसे आपको इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको ऊपर की तरफ से राइट साइड से थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से ट्यून इमेज के अमाउंट को 100 रख लेना है। तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है। तथा दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने कुछ इस प्रकार से अपने फेस एंड स्किन को दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए इस प्रकार से गोरा कर लेना है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप ब्रश चलाने पर आप देख सकते हो फेस एंड स्किन गोरा होने लगेगा। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस एंड स्किन को गोरा कर लेता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस एंड स्किन को दोस्तों आप गोरा कर लीजिए। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विंटेज का। सिंपली से दोस्तों आपको विंटेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से विंटेज 12 को सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको फुल्ली डिक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्टाइल स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको जिस प्रकार से 15 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ विग्नेट स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से 25 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, थर्ड नंबर ऑप्शन। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, विंटेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर ऑप्शन इन्वाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से विंटेज के अमाउंट कुछ इस प्रकार से 0 रख लेना है। तो दोस्तों आपको अपने फोटो को जूम करना है। विंटेज की वजह से आई ब्लैकनेस को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस एंड स्किन से दोस्तों आपको क्लीन कर देना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको प्रीसेट PNG बैकग्राउंड का स्टॉक फ्री में डाउनलोड किए मिल जाएंगे। जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस एंड स्किन से ब्लैकनेस को क्लीन कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको ग्रीन पैनल मिल जाएगा, उसे जाकर आप दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से
सेकंड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सब डायरेक्ट का, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। तथा दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से डबल एक्सपोजर का अमाउंट कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है। तथा जो दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार से जो दोस्तों आपका शर्ट या टी शर्ट है उस पर दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाने पर आपके शर्ट या टी शर्ट का कलर कुछ इस प्रकार से चेंज होने लगेगा। कुछ इस प्रकार से मैं ब्रश चलाते हुए इस जैकेट का कलर को चेंज कर लेता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने शर्ट या टी शर्ट या जैकेट है उसका कलर चेंज कर लीजिए। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसे जाके आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से थर्ड नंबर ऑप्शन ओपेसिटी का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको इसकी ओपेसिटी को फुल्ली इंक्रीज करते हो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तथा दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। तथा दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से डबल एक्सपोजर का अमाउंट 100 रख लेना है। तथा कुछ इस प्रकार से जो दोस्तों आपको पहले वाला बैकग्राउंड है दोस्तों उस पर कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड चेंज होने लगेगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हो जो अपना पहले वाला बैकग्राउंड है उस पर दोस्तों आपको ब्रश चलाना है, जिससे आसानी से आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फेस एंड स्किन को गोरा करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्टिव का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको अपने फेस एंड स्किन को गोरा करने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से सर्कल बनाना है। तथा दोस्तों आपको ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। तथा दोस्तों आपको सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है। तथा स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप सिलेक्टिव टूल के माध्यम से आसानी से अपने फेस एंड स्किन को गोरा कर सकते हो। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट्रेट का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन हो रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्मूथ टू को सिलेक्ट कर देना है। फेस स्पॉटलाइट को दोस्तों आपको इंक्रीज करते हो 10 रख लेना है। तथा स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको इंक्रीज करते हो 75 रख लेना है। तथा नीचे एक तरफ दोस्तों आपको आई क्लैरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से 20 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रश का, सिंपली से दोस्तों आपको ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फोर्थ नंबर ऑप्शन सैचुरेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके अमाउंट को कुछ इस प्रकार से 10 रख लेना है। तथा दोस्तों आपको अपने लिप्स पर कलर ऐड करने के लिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे लिप्स पर कलर ऐड हो जाएगा। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक बटरफ्लाई पीएनजी मिल जाएगा, उसे जाकर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। तथा दोस्तों आपको इसे अच्छे से दोस्तों आपको अपने हिसाब से स्पेस देकर दोस्तों आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से सेकंड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड का, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके फोटो पर बटरफ्लाई पीएनजी ऐड हो जाएगा। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पहले आपका फोटो कुछ इस प्रकार से था, अब
दोस्तों कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में आपका फोटो बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे दोस्तों आपका फोटो HD क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।